नहीं, बॉबी देओल, बॉबी देओल तो पहली बार है ना, इसे पता होगा, सारी घटिया पिक्चरों के बारे में पता होता है। अब रोए Houseful 4 का रिव्यू, आर यू किडिंग मी, रियली यू वांट टू नो? देखो 2010 से ये प्रथा बस चली ही आ रही है, अब तो Houseful 4 भी आ गई, एंड वेरी सिंपली द हॉल जनरली गेट्स डिवाइडेड बिटवीन टू कैटेगरीज, एक वो हु लव देयर हेड ऑफ और एक वो हु पुल देयर हेयर आउट। आई एम एक्चुअली इन द लैटर कैटेगरी, तो अब मतलब क्या ही बताऊं, बट आज एक चीज मैंने रियलाइज करी, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू गेट डिसअपॉइंटेड इवन व्हेन यू गो इन विद जीरो एक्सपेक्टेशंस। वही हुआ मेरे साथ, शायद मुझे लगा था थोड़े से सुधर जाएंगे। एक्चुअली पहले ना दिस मूवी वॉज गोइंग बी डायरेक्टेड बाय साजिद खान, फिर मी टू के चक्कर में उन्हें तो इन्होंने साइड कर लिया, पर उससे कख फर्क पड़ा, क्योंकि सारा सेक्सिज्म, सारी ऑब्जेक्टिफिकेशन अभी भी वैसी की वैसी। सो दिस वन हैज द यूजुअल सस्पेक्ट्स, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, रंजीत एंड आखिरी पास्ता यानी कि चंकी पांडे एंड सम न्यू एडिशंस, जैसे कि दो कृतिस, एक पूजा, एक बॉबी और मेरे राणा दगुपति। क्या जरूरत थी उनको आने की? एक तो मुझे समझ नहीं आता ऐसी फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स को नाम देने की क्या जरूरत है, नंबर से काम चल सकता है, हरकतें तो वही होनी है ना। रंजित इज देयर इन एवरी सीन विद थ्री वुमेन हु आर हिज बेबी बेबी बेबी, फिर आती है तीन बेटियां, बेटी वन, बेटी टू, बेटी थ्री, फिर अपने ही क्रीपीनेस से थोड़े शर्मिंदा होते हैं पर कोई नहीं सुधरता। दिस वन इज अ रीइंकार्नेशन कॉमेडी एंड अ रीसाइक्लिंग ऑफ जोक्स। 1419 में थ्री कपल्स कुड नॉट लिव हैप्पीली एवर आफ्टर बिकॉज ऑफ सम कंस्पिरेसी। 600 साल बाद जन्म लेके वापस आए टू राइट दोज रॉन्ग्स, और ये फिल्म इतनी लंबी की सदियां बीत जाती हैं देखते हुए मैंने पता नहीं किस जन्म में क्या पाप किया था। नथिंग इज ऑफ लिमिट्स, और इसी बात का तो खौफ है। देखो होमोफोबिक जोक्स हैं, लाइंस लाइक इसने अपने जेंडर का टेंडर नहीं भरा, पॉटी ईटिंग इज सपोज्ड टू बी फनी, बर्ड ड्रॉपिंग इज फनी, ऑल्सो वर्ड पंस लाइक क्या तुम्हारा पुणे जन्म हुआ है, हाँ मेरा पुणे में जन्म हुआ है, तीन कबूतर भी हैं, नील, नितिन, मुकेश, एंड अ लाइन बाय बॉबी देओल वेयर ही सेज, आज मैंने स्लो इसलिए मारा क्योंकि आज मेरा फास्ट है। फिल्म में जॉनी लीवर भी है, उनकी बेटी जेमी लीवर भी है, एंड एक लाइन के लिए नवाज भी आ जाते हैं, मतलब हर तरह की कोशिश की गई है कि बस आप देख लो। बाय द वे दिस वन थिंग दैट आई लव्ड इन द मूवी एंड दैट्स द सॉन्ग बाला ओ बाला ओ बाला बाला बाला, एवरी टाइम अक्षय कुमार के ऑन स्क्रीन ये गाना आता था एंड इट समहाउ वोक मी अप फ्रॉम माई स्लंबर एंड इट्स क्वाइट कैची। बाकी तो देखो साफ मामला है, होमोफोबिक जोक से यू आर ओके, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन से यू आर ओके, व्हाट्सएप फॉरवर्ड क्वालिटी वाले जोक से यू आर ओके, तो जाओ ना, एंड इफ यू आर नॉट ओके तो मैं तो दे रही हूँ Houseful 4 को 1 quint out of 5। बाकी श्रद्धा अनुसार आप सबको हैप्पी दिवाली, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्विंट को सब्सक्राइब करें और अच्छे वाले कॉमेंट्स लिखना ना भूलें।